नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले कलकत्ता और उड़ीसा के बीच एक बात पर ठन गई कि जो रसगुल्ला है वो किस स्टेट ने इन्वेंट किया है। कलकत्ता वाले कहते कि रसगुल्ला तो कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध है। उड़ीसा वाले कहते नहीं, रसगुल्ला उड़ीसा में पहले वो किया गया था, इन्वेंट किया गया था। क्योंकि इन दोनों को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लड़ने के पीछे कारण ये था कि जो रसगुल्ला है उसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेत। और भी हमारे देश में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, लाइक दार्जिलिंग टी, पाशमीना की जो शॉल आती है। जीआई टैग मिलने के बाद उस प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस इंडिया में नहीं पूरे विश्व में बढ़ जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ये जीआई टैग किस चिड़िया का नाम है और इससे हमारे देश को, हमारे किसानों को किस तरह फायदा मिलेगा। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर और जानते ही हैं जीआई टैग के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। पहला पहला सवाल हर किसी के दिमाग में कि ये जीआई टैग होता क्या है। दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हमारी समृद्ध संस्कृति और सामूहिक बौद्धिक विरासत का हिस्सा है जीआई टैग, मतलब भौगोलिक संकेत। यह हमारे किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों की आय के साधन के साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, डीपली घुस के। ठीक है, भौगोलिक संकेत दोस्तों एक प्रकार का मुहर होता है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। इस मुहर के प्राप्त हो जाने के बाद उसे पूरी दुनिया में उस उत्पाद को महत्व प्राप्त हो जाता है, साथ ही उस क्षेत्र को सामूहिक रूप से उसके उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में आप लोग को समझाऊं, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, चाय तो पूरे भारत में मिलती है, चाय तो पूरे विश्व में मिलती है, लेकिन दार्जिलिंग की चाय की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि दार्जिलिंग की चाय को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड किया गया है, मतलब कि भौगोलिक संकेत का मुहर उसके ऊपर लगा पड़ा है। इसीलिए पहली चीज़ कि जो जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है उसकी इम्पोर्टेंस इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ जाती है। एंड पॉइंट नंबर टू, इसके मिलने के साथ वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जहाँ का ये प्रोडक्ट होता है उसको उसके उत्पादन के लिए एकाधिकार प्राप्त हो जाता है, जैसे कि दार्जिलिंग। अभी थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है, लेकिन हाँ, इस जीआई टैग की शर्त ये भी होती है कि उस उत्पाद का उत्पादन या प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ के लिए जीआई टैग लिया जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब असम में चाय उगा कर अगर उसके ऊपर दार्जिलिंग की चाय लिखकर बेचोगे तो वो मान्य नहीं होगा। जीआई टैग देने के पहले एक शर्त रखी जाती है कि दार्जिलिंग की चाय दार्जिलिंग में ही उगाई जाए, देन ही उसको जीआई टैग प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये जो जीआई टैग है भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप भौगोलिक संकेत का संवर्धन करना और इसकी सुरक्षा करना सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिस भी प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया गया है उसका संरक्षण करना, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, ठीक है, उसके प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी हमारे देश की गवर्नमेंट की है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया। ठीक है, भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया। इसके बाद एक के बाद एक एप्लीकेशन आते चले गए और कई मानकों के आधार पर बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, और हाँ, कि ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग होता है ना, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये सिर्फ 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ेगा। आपको क्या मतलब, उस प्रोडक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, अन्यथा उस प्रोडक्ट पे जीआई टैग हट जाएगा। एक शर्त ये भी होती है।
अब जीआई टैग से उत्पादों का हम संरक्षण किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को जीआई टैग प्रदान किया गया था, इसके बाद इस क्षेत्र से बाहर उत्पादन किए गए उत्पाद पर दार्जिलिंग टी का टैग नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा अगर उत्पाद को दी गई टैग के मानकों के आधार पर नहीं बनाया गया तो भी उत्पाद पर दार्जिलिंग टी का टैग नहीं लगाया जा सकता। मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग देने के दौरान एक मानक तैयार किया जाता है। आपको सबसे पहला जिस पर्टिकुलर प्लेस के लिए आप ये टैग ले रहे हो उस प्रोडक्ट को वहीं पर उगाओगे, एंड पॉइंट नंबर टू कुछ मानक वो बताते हैं, उस मानकों के अकॉर्डिंग आप उसको उगाओगे, ठीक है। इस तरह आप ये कह सकते हो कि जिस समूह ने इस उत्पाद के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है उसे संबंधित उत्पाद के संरक्षण का लाभ मिलता है। अब इसका महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस। पहला, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ गरीब किसानों और कामगारों को संरक्षण भी प्राप्त होगा। इससे सबसे निचले स्तर के लोगों भी लाभान्वित होंगे, बिकॉज जो जीआई टैग के प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड पूरे विश्व में होती है, तो सिंपल सी बात है, जॉब तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी। भौगोलिक संकेत आदिवासियों के परंपरागत विशेषज्ञताओं का संरक्षण करते हुए आदिवासी समुदाय के उत्थान में सहायक साबित हो सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पिछड़ी जातियाँ हैं लाइक आदिवासी टाइप, जिनकी परंपराओं को अगर आप जीआई टैग दे दो तो कहीं ना कहीं उन्हें भी संरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। और सबसे तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का जीआई टैग मिलने के बाद पर्यटन को इससे बहुत बढ़ावा मिलता है, ठीक है। जैसे कि लोग दार्जिलिंग की चाय की बागान देखने जाते हैं, ठीक है, और ये कह सकते हो आपकी जो कड़कनाथ चिकन है, ठीक है, एमपी का, उसको भी लोग देखने जाते हैं, तो पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जीआई कैसे लागू हुआ पूरे विश्व में। असल में इसके पीछे एक एक्ट काम करता है 1999 में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में लागू किया गया, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत WTO का मेंबर है, ठीक है। 1999 में इस नियम को लागू किया गया और 15 सितंबर 2003 से इसको ये लागू हुआ, मतलब कि 1999 में ये एक्ट बना, जीआई एक्ट, और 15 सितंबर 2003 में इसको लागू किया गया। इस अधिनियम को WTO के ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझौते का पालन करने के लिए अधिनियमित किया गया। औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन के लेख एक के दूसरे भाग और 10 के तहत भौगोलिक संकेत IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तत्व के रूप में भी शामिल है। मतलब कि अगर एक बार किसी पर्टिकुलर चीज़ को GI का टैग मिल गया, ठीक है, तो उसी नाम का GI टैग किसी और पर्टिकुलर चीज़ को नहीं मिल सकता। इस अधिनियम को कंट्रोलर जनरल ऑफ पेरेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स द्वारा प्रशासित किया जाता है, ये GI टैग भी प्रदान करता है, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेरेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि भारत में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग प्रोवाइड किया गया, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, पाश्मीना की शॉल कश्मीर, रसगुल्ला कोलकाता, कड़कनाथ चिकन एंड MP की बासमती राइस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि GI टैग प्रोवाइड किया गया है। तो उम्मीद है भौगोलिक संकेत के बारे में अब आपको पता चल गया होगा कि भौगोलिक संकेत होती क्या है, इससे लाभ क्या होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार, आदाब।